बिना आटे का यूज किया आज हमारी पनीर नान बनेगी एकदम बहुत सुपर टेस्टी, एकदम सॉफ्ट होगी, ढाबा से भी ज़्यादा बढ़िया, एकदम दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी और खाने में तो एकदम बहुत ही टेस्टी। और हाँ दोस्तों, आटे का यूज करेंगे हम, मैदा का यूज नहीं करेंगे इसमें, और कोई ईस्ट वगैरह का भी यूज नहीं करेंगे घर वाली चीज़ों से। और इसके साथ साथ मैं आपको कढ़ाई पनीर और शाही पनीर में अंतर भी बताऊंगी। कई लोग कहते हैं कि सब एक जैसे होते हैं, पर दोनों का बेस एक जैसा तैयार होता है। दोनों का क्या, ज़्यादातर पनीर रेसिपी का बेस एक जैसा ही तैयार होता है, पर दोनों में टेस्ट में आगे अंतर आ जाता है, क्योंकि सबका दूसरा वाला जो तड़का होता है वो अलग अलग तरह का होता है। वही बताऊंगी क्या अंतर है उसमें। तो चलिए बनाना जल्दी से शुरू करते हैं, पर उससे पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करें। तो हमारी सुपर सॉफ्ट पनीर नान बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आटा। ये नॉर्मल वाला ही आटा है जो हम रेगुलर यूज करते हैं, और 1.5 कप आटे का मैं यूज कर रही हूँ। आप किसी भी कटोरी वगैरह का मेजर कर सकते हैं इसकी जगह पर। बस इसको छान कर लेंगे। छानने से क्या है, बढ़िया सा लाइट हो जाएगा, और कुछ इम्प्योरिटी होगी तो वो भी निकल जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें हम अभी और भी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें। दोस्तों एक खाने वाला सोडा होता है, एक बेकिंग पाउडर होता है। ये यहाँ पर बेकिंग पाउडर इस तरह के डब्बे में आता है, सोडा खुले में आता है। 1/4 टीस्पून सोडा डालेंगे। दोनों का अंतर ध्यान रखिए, सोडा कम डालना है और पाउडर ज़्यादा डालना है इसमें। अब इसको बस छान लेंगे पहले, दूसरी चीज़ें बाद में मिलाएंगे, कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है हमें इसमें। 1 टीस्पून चीनी डाल दें, चाहे पीसी हुई डाल दें, चाहे साबुत डाल दें, साबुत भी डालेंगे तो वो भी मिक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 टेबल स्पून में मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, इसको ज़रूर से डालिए। अगर ये नहीं है तो फिर इसकी जगह पे आप दूध का यूज कर सकते हैं इसको गूंदते समय। अब स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, थोड़ा मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, रख लेती हूँ थोड़ा सा इसमें से, बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि जो मैंने इसके साथ सब्जी सर्व करने वाली हूँ काफ़ी स्पाइसी है, तो मैंने उसके हिसाब से ही डाला है। बस इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे पहले, इसी तरह से, ताकि बढ़िया से मिक्स हो जाए सारे में। अब इसमें 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ मैं, या 1 टेबल स्पून, ये 2 चम्मच के बराबर होती है। अब बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि तेल भी पूरे में इवन लग जाए। आप इसकी जगह पे घी का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको तेल का यूज नहीं करना है तो। बस इसमें अब दही डालेंगे, 1/4 कप दही ले रही हूँ ये यहाँ पर मैं, बस एकदम नॉर्मल वाली दही है, ना ही तो बहुत ज़्यादा खट्टी और ना ही बहुत ज़्यादा मीठी, और फ्रिज में रखी हुई नहीं है दोस्तों, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर की है। अभी इसमें मैं नॉर्मली पानी का यूज करने वाली हूँ, इसको गूंद लेंगे, लेकिन एकदम सॉफ्ट गूंदेंगे, जैसे कि हम रोटी बनाते हैं उससे काफ़ी सॉफ्ट। और इसको थोड़ी सी हमें गुंधाई करनी होगी अभी इसी समय पे, क्योंकि हम मैदा का यूज नहीं कर रहे हैं इसमें। बस देखिए, एक बार को आपको ये काफ़ी चिपचिपा लगेगा, इसको मैं चॉपिंग बोर्ड पर अच्छे से मस लूँगी। इसकी गुंधाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी रोटी एकदम सुपर सॉफ्ट बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी दोस्तों, यकीन मानिए, ढाबा से भी ज़्यादा अच्छी। घर पर कभी ट्राई करिए, फिर आप बाहर से मंगाना भूल जाएंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हल्का सा मैंने इसको ग्रीस कर लिया है, ताकि चिपके ना इसके ऊपर, अगर चिपक भी जाएगा तो बाद में हटा लेंगे। बस इसको पर इस तरह से मसल लेंगे, काफ़ी चिपकने वाला लगता है शुरू में ये आटा, इस तरह से काफ़ी अच्छा बन जाएगा सॉफ्ट बाद में। थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं या हाथ को ग्रीस कर सकते हैं, बस गुंधाई कर लें इस तरह से। देखिए हमारा सॉफ्ट सा आटा एकदम तैयार है, बस हल्का सा और ग्रीस करेंगे और एकदम सॉफ्ट हो गया है। मैंने अच्छे से इसकी गुंधाई कर ली है, बोर्ड को अलग हटा दिया है, बस इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए, 20 मिनट के लिए रेस्ट पर इस तरह से ही। अभी आपको ये काफ़ी गीला लग रहा होगा, पर बहुत अच्छा हो जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ा सा फर्मेंट हो जाएगा। बस इसको इस तरह से ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं। बस अभी हमारे 20 मिनट हो गए हैं, अब इसको थोड़ा सा हल्का सा और मसल लेते हैं, देखिए कितना सॉफ्ट दिख रहा है। और बस चलिए रोटियाँ बनाने चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैं चॉपिंग बोर्ड पर बनाकर तैयार करूँगी, सूखा मैदा चाहिए हमें इसके लिए, यहाँ पर आटे का यूज नहीं करेंगे, ये अच्छा चिपकता है मैदा। और ये थोड़ा सा कद्दूकस करके मैंने पनीर लिया है, थोड़े से तिल और थोड़ा सा हरा धनिया, ये बस पानी लगाने के लिए, चाहे तो आप हाथ से लगा सकते हैं, बल्कि मैं भी हाथ का यूज करती हूँ, उससे क्या अच्छे से लग पाता है। बस इसमें से लोई तोड़ लेते हैं, थोड़ा सा फुलके से बड़ा बनाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी भी बनाई जाती है साइज में, और थोड़ा मोटी भी रखी जाती है उससे, इसी हिसाब से मैं ले रही हूँ। इसमें से 8 बन जाएंगी कम से कम। बस सूखी मैदा इस तरह से लगाते हुए इसको रोल करेंगे। और हाँ दोस्तों, लोहे के तवे का यूज करें, तवा मैंने गर्म होना रख दिया है साइड पर, थोड़ी सी जगह कम रहती है तो दोनों चीज़ मैं एक साथ नहीं दिखा पाती हूँ। बस इसको इस तरह से बेल लेंगे, एकदम आराम से ही बेल जाती हैं ये।
स्लेब काफ़ी चिकना होने के कारण थोड़ा सा फिसल रहा है, तो मैं इसके नीचे एक कपड़ा रख लेती हूँ पहले, बस उसके बाद अच्छे से रोल करेंगे एकदम। चाहे तो आप स्लेब पर भी बना सकते हैं, चकला थोड़ा छोटा होता है, उस पर बनती नहीं है इतनी बड़ी। बस इस तरह से बेल ले। बस इसके ऊपर अब पनीर रखेंगे। मैं फीके ही पनीर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें नमक मिर्ची वगैरह यूज कर सकते हैं या हरा धनिया भी मिला सकते हैं। बस इस तरह से कद्दूकस करके रख दीजिए, और पनीर हमारा एकदम गीला नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस तरह से पलटिए इधर से और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही, देखिए आप ध्यान से। बस इसको एक बार थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसके ऊपर ताकि अच्छे से चिपक जाए, इसी तरह से बनाई जाती हैं ये। बस इस तरफ से भी ऐसे पलटेंगे और अच्छे से मिला दें, बिल्कुल खुली नहीं रहनी चाहिए कहीं से भी। अब इधर भी पानी लगाएंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से बनाए जाते हैं ये। अब इसको अच्छे से रोल करेंगे, बस इसी तरह से सूखा आटा लगाते हुए, मैदा लगाते हुए, बस ऐसे लगा लें और इसको नीचे रखेंगे जोड़ को पहले बेलते समय। बस इस तरह से रोल कर लें, थोड़ा हल्के हाथ से करें इस समय पे, नहीं तो फट जाएगी तो पनीर निकल जाएगा और तवे पर चिपक जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और काफ़ी सॉफ्ट होता है, आराम से हो पाता है इस तरह से। बस एक ज़रूरी टिप दोस्तों, यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए इस तरह का जैसे मैंने लिया है, और कपड़ा हमारा एकदम साफ होना चाहिए। इसके ऊपर सेट करेंगे और ऊपर रखेंगे जो जोड़ वाली साइड है जैसे मैंने रखी है। बस अच्छे से इस तरह से पानी सेट करेंगे। और हाँ, ज़रूरी बात दोस्तों, हमारा जो तवा है पहले से बिल्कुल भी चिकना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमने एक दो टाइम पहले से पराठे नहीं बनाने होने चाहिए उस पर, तभी अच्छी बनती है हमारी रोटियाँ, नहीं तो ये छूट जाएंगी, चिपकेंगी नहीं अच्छे से। बस तवे को चेक कर लेते हैं, देखिए परफेक्ट गर्म है हमारा तवा। इसके ऊपर इसको चिपका देंगे और थोड़ी देर के लिए 30 सेकंड के लिए इसी तरह से दबा कर रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कपड़े में आग वगैरह न लग जाए, थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बस इस कपड़े को हटा लेते हैं और तवे को उल्टा करके अब दूसरी तरफ से सेकेंगे। एक तरफ से अच्छे से सेट हो गई है, देखिए फूलने लग गई है, बबल से आ गए हैं, ये अच्छा साइन है कि हमारा आटा एकदम परफेक्ट है, एकदम सॉफ्ट बनने वाली है हमारी रोटियाँ। बस इसको उल्टा करके सेकेंगे और घुमाते रहें इधर उधर ताकि कहीं से भी कच्ची ना रहे इस तरह से, और आँच को अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहें। बस देखिए दोस्तों, एक जगह आँच ना लगे, इस तरह से चलाते फिराते हुए इसको सेक लें ताकि कच्ची भी ना रहे, अच्छे से पक जाए। इसी तरह से बनाया जाता है इनको, देखिए दिख रही है ना कितनी बढ़िया हमारी ये बनते हुए नान। बस अभी इसको सीधा कर लेंगे जब ये अच्छे से सीख जाएगी, और हटा लेंगे, पलटने वगैरह से हटाएं क्योंकि दोस्तों ये चिपक सकती है, पनीर की है ना इसलिए। बस देखिए इस तरह से आराम से हटा लें, कितनी बढ़िया फूल कर आई है। बस ऐसे ही फटाफट से बना लेंगे, एक और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ बस इसी तरह से सेम। बस बटर या घी जो भी आपको लगाना है लगा सकते हैं, तब इसे थोड़ा सा बचा लें, चाहे तो आप प्लेट पर रखकर लगा सकते हैं इस तरह से। तवा हमारा एकदम जैसे मैंने बताया क्लीन होना चाहिए। देखिए मेरी दूसरी नान भी बनकर तैयार है, बस इसी तरह से सेम फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है जब आप एक बार शुरू कर देते हैं, इसी तरह से बनाएंगे फटाफट से और चलिए सर्व करेंगे। तो देखिए सर्व कर लिया है मैंने इनको, कितनी अच्छी दिख रही हैं। और ये हमारा कढ़ाई पनीर और ये शाही पनीर, आप देख सकते हैं दोनों के कलर में भी अंतर है, और मैं आपको डालकर दिखा देती हूँ, दोनों का टेक्सचर एकदम अलग होता है। शाही पनीर एकदम क्रीमी बनता है और कढ़ाई पनीर में तो शिमला मिर्च वगैरह का यूज किया जाता है। तो बस डाल लेते हैं एक एक चम्मच दोनों में से, देखिए दिख रही है ना एकदम डिलीशियस हमारी सब्जियां भी, और कितनी बढ़िया नान बनकर तैयार हुई है। आप ढाबे जैसा मजा घर पर ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ बाहर जाएं, कम खर्चे में और एकदम, बल्कि उससे भी ज़्यादा सुपर टेस्टी बनती है दोस्तों। आप भी कभी ज़रूर से ट्राई करिए दोनों, और मैंने दोनों की रेसिपी डाल रखी है, शाही पनीर कढ़ाई पनीर, आप उसमें देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है बनाने में। मैं उसका लिंक ज़रूर से डाल दूँगी दोनों का। इसमें मैंने बहुत तरह के पनीर सिखा रखे हैं, पर सब में कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर होता है, भले ही बेस एक जैसा बनता हो। देखिए कितनी बढ़िया बनी हमारी ये नान, और पनीर भी एकदम बढ़िया दिख रहा है, देखिए कच्ची भी नहीं रही है। बस इसी तरह से बनाइए, मिलेंगे एक और बढ़िया से वीडियो के साथ। थैंक यू।